आदिराज दोस्तों, मेरा नाम है शीतल जांगड़ा और शीतल आयुर्वेदिक टिप्स एंड एक्सपीरियंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पतंजलि में स्टे करने के बाद आपका क्या शेड्यूल रहता है, कि क्या किस टाइम क्या करना पड़ता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी और ट्रीटमेंट किस टाइम होता है मैं आपको सब बताऊँगी। उससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा जब मैंने अपनी उत्तरवस्थी कराई तो मुझे मेरा 3 दिन का स्टे था। तो 3 दिन के स्टे के लिए जब मैंने पहले दिन गई तो उस दिन का सुबह का तो हो ही गया था, क्योंकि मेरी 10 बजे के आसपास चेक इन हुई थी। तो उसके बाद का तो मैं अगले दिन का बताऊँगी, सेकेंड डे का। तो सेकेंड डे का मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या रहता है सुबह से लेकर रात तक का, आपको पूरा शेड्यूल बताती हूँ। तो दोस्तों, पतंजलि में सुबह 4 बजे जब 4 बजते हैं, 4 बजे आपको बस लेने आ जाती है पतंजलि फेज़ फर्स्ट में आपको आप रुके होंगे तो सेकंड में से पतंजलि वेलनेस से आपको बस लेने आएगी। उसमें आपको जो भी पेशेंट है या पेशेंट के साथ है उनको 4:15 बजे के करीब आपको अपने कमरे से बाहर आके ग्राउंड में जाके खड़ा हो जाना है, जो पतंजलि का जो बाहर ग्राउंड है वहाँ पे खड़ा हो जाना है। तो जो भी पेशेंट है वो सब अपना कमरे से बाहर आएंगे और आके पहले जो गार्ड वगैरह होता है उनको अपना वो साइन करना पड़ता है कि आप बाहर जा रहे हैं, इस टाइम पे कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो पहले साइन करना पड़ता है। तो सभी जो भी पेशेंट है या पेशेंट के साथ है वो सुबह 4 बजे अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और ग्राउंड में जाके खड़े हो जाते हैं। तो 4:15 बजे के तक पास बस लेने आती है फेज़ 2 से फेज़ 1 में, और वो इसलिए लेने आते हैं क्योंकि 5 बजे हम योगा का क्लासेस शुरू होती हैं, जहाँ पे स्वामी रामदेव जी योगा कराते हैं, जो आस्था चैनल पर भी आता है, जो वो वहीं होता है दोस्तों। जो पेशेंट है जो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं वो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, और उनके स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी होते हैं। तो सुबह 5 बजे हम 4:15 बजे हम योगा के लिए जाते हैं। योगा के बाद योगा होती है 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक होती है, और बस आपको 7 बजे लेने आ जाएगी फेज़ 1 से। आपको फेज़ 2 में जो आपकी योगा हो रही है वहाँ पर बस दोबारा लेने आ जाएगी आपको फेज़ 1 में छोड़ने के लिए। दोस्तों, अगर आपको 8 बजे के बाद तक भी रुकना है वहाँ पे तो रुक सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर पैदल ही जाना पड़ेगा फेज़ 1 में। वो काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी देर ही रुकना है तो आप बस में बस लेने आएगी तो बस के साथ भी जा सकते हैं। तो हमारा क्या था कि हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमने 7-8 बजे के करीब हम वहाँ पे रुके थे 8 बजे तक। तो जो काफ़ी थे जो पेशेंट थे वो चले गए थे, लेकिन वो बस में गए थे। मैंने बोला कि नहीं, हम घूमते फिरते अपने पैदल चले जाएंगे फेज़ 1 में, तो हम पैदल चले गए थे। फिर उसके बाद शुरू होती है दोस्तों, अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट होगा, कोई भी बस्ती होगी, तो आपका एक दिन पहले ही वो लिस्ट लग जाती है कि आपकी इस टाइम होगी या कौन से टाइम होगी। तो आप सुबह देख सकते हैं जो लिस्ट लगी होती है कि आपका किस टाइम कौन सा ट्रीटमेंट होगा, तो लिस्ट लगी होती है। तो उसके बाद आप लिस्ट लगने के बाद आप देखेंगे 8 बजे, सुबह के 8 बजे सबसे पहले तो होता है योगा के लिए। योगा के लिए आप जाओगे, वहाँ से आओगे, 7 बजे आपको मिलता है क्वाथ। जो पेशेंट होता है उनको जो काढ़ा मिलता है वो काढ़ा दिया जाता है 7 बजे के करीब। उसके बाद देन नाश्ता मिलता है 8 बजे, 8 बजे से 9-9:30 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते में दोस्तों आपको बिल्कुल हेल्दी चीज़ें मिलेंगी और सात्विक चीज़ें ही मिलती हैं वहाँ पे खाने को, कोई मसाले वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी पेशेंट को। इतनी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, सारा खाना बिल्कुल उनमें ना तो मिर्च थी ना और कुछ, और इतना टेस्ट खाना बनाते हैं वो। और वहाँ का एक और बात है दोस्तों, कभी भी एक सेम खाना नहीं देंगे, हमेशा ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का हमेशा अलग होगा, और डेली का रूटीन चेंज होता रहता है कि अगर आपको सुबह आज ये मिला है तो अगले नेक्स्ट डे आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। तो आपको खाने में जो रहेगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी कि खाने में क्या क्या दिया जाता है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी।
तो आपको मैं ये बताती हूँ, 8 बजे सुबह 8 से 9:30 बजे तक खाना मिलता है। फिर उसके बाद अगर आपका जो कोई भी ट्रीटमेंट होता है आप वो करवा लीजिए। फिर उसके बाद आपको सीधा 12 बजे खाना मिलेगा, दोपहर को 12 से लेकर 2 बजे तक आपको खाना मिलेगा। फिर खाने के बाद फिर आपको सीधा 4 बजे के आसपास मिलेगा सूप वगैरह जो देते हैं, वो सूप वगैरह मिलता है। फिर आपका कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह वो तो चलते ही रहता है, क्योंकि लिस्ट लगी होती है कि आपका इस टाइम से इस टाइम तक ये ट्रीटमेंट होगा। उस ट्रीटमेंट जो जिस टाइम आपका ट्रीटमेंट होता है तब आपको अपने जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे जाना पड़ता है, और देन फिर उसके बाद आप अपने कमरे में जा सकते हैं, आप आराम कीजिए, आप घूमें फिरें, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा एरिया बना रखा है, आप ऐसे पार्क वगैरह लगेंगे, इतना मतलब मन लगता है वहाँ पे तो। और दोस्तों 4 बजे के सूप लेने के बाद, 4 बजे आपको सूप मिलता है, 4:30 बजे के करीब आपको सूप मिलता है। फिर उसके बाद आपको जाना पड़ता है 5 बजे योग कक्षा में, शाम की जो योग कक्षा है फेज़ 1 में ही योग कक्ष बना रखा है, वहाँ पे आपको योग के लिए जाना पड़ता है। 5 से 7 बजे तक आपकी योग कक्षा है, उसमें आपका ऑप्शनल होता है, अगर वैसे तो सबको जाना पड़ता है लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे को तो घूमने में ही मन लग रहा था, क्योंकि इतना अच्छा बना रखा था वहाँ पे पतंजलि में। और फिर उसके बाद आपको दोस्तों फिर देन 7 बजे आपको फिर से काढ़ा मिलेगा शाम को। काढ़ा लेने के बाद फिर आपको काढ़ा 7 से 7:30 है, और फिर आपको रात्रि का भोजन जो शाम का खाना मिलेगा वो मिलेगा 7 से 8 बजे तक का, 7 से 8 बजे खाना मिलेगा। फिर उसके बाद आप अपना खाना वगैरह खा के अपने रूम में जा सकते हैं, अपने सो जाइए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठेंगे, जब जाके 4 बजे तक तैयार होकर हम योग के लिए जाते हैं जाना पड़ता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो शाम को टाइम से सो जाते हैं। 8 बजे तक खाना खुना खा के 9 बजे तक देन सब सो जाते हैं। और दोस्तों मेरा यही शेड्यूल था कि पूरा दिन का यही रहता है सुबह से लेकर शाम तक का। तो आपको देखिए मैं दिखा देती हूँ, जो ये है ये मेरा पूरा शेड्यूल है था कि सुबह आपको ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।